हेलो दोस्तों, इस वीडियो में हम पीएसयू बैंक वाला जो सेक्टर है उसको टेक्निकल एनालिसिस करने वाले हैं। तो हम आ चुके हैं हमारे एंजल वन के वेब पेज के ऊपर, और ये वीडियो हमारे एजुकेशन के पर्पज से और हमारे नॉलेज के पर्पज से होने वाला है। और एंजल वन के वेब पेज पे आने के साथ ही दोस्तों, यहाँ पर ऊपर की साइड में आप लोगों को एक लेवल देखने को, मतलब यहाँ पर बहुत सारे ऑप्शन देखने को मिल जाएंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं, ठीक है, एंजल वन ने हमें सारी सुविधा एक ही वेब पेज पर लाकर दे दी है। अभी जो होम का पेज है इस पर हम क्लिक करेंगे। इस पर दोस्तों जैसे क्लिक किया तो एक पेज ओपन हुआ। इस पेज पर आप देख सकते हैं डेरिवेटिव ट्रेंड करके एक ऑप्शन आ रहा है। इस पर हम दोस्तों जैसे क्लिक करेंगे ना, तो हमारे सामने स्टॉक मार्केट में जितने भी सेक्टर है ना, सभी की लिस्ट आ जाएगी। आपको जो भी सेक्टर एनालिसिस करना हो आप बढ़िया तरीके से कर सकते हैं, ठीक है। अब हमें जैसे पीएसयू बैंक वाला करना है, तो ये अब उसका आज का परफॉर्मेंस देखिए, ठीक है, कि आज के ट्रेडिंग सेशन में कैसा रहा, मतलब एक अच्छा खासा रहा है, ठीक है। लीडिंग पोजिशन में आज ये सेक्टर देखने को मिला। इस पर आप दोस्तों जैसे क्लिक करेंगे, ठीक है, तो इसके अंदर जितने भी स्टॉक्स है सभी की लिस्ट आ जाएगी। यहाँ पर नाम आ जाएंगे, प्राइस यहाँ आ जाएगा, प्राइस परसेंटेज में आ जाएगा, और ओपन इंटरेस्टेड जो है वो यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। तो हमें जो भी स्टॉक्स को आप यहाँ से एनालिसिस करना है बढ़िया तरीके से कर सकते हैं, ठीक है। तो हमें दोस्तों इस स्टॉक को एनालिसिस करना है, तो हम बढ़िया तरीके से उसके ऊपर क्लिक करेंगे। हम क्या कर सकते हैं, उसी स्टॉक को यहाँ से सर्च भी कर सकते हैं। तो बढ़िया तरीके से दोस्तों यहाँ से सर्च कर लेते हैं। तो देखिए फर्स्ट नंबर पर आ चुका है। इस पर जैसे क्लिक करेंगे तो ये वॉच लिस्ट में ऐड हो चुका है, और यहाँ पर इसका जो चार्ट है वो प्रॉपर ओपन हो गया है। अब आप यहाँ से चार्ट पर क्या कर सकते हैं, अपना टाइम फ्रेम बदल सकते हैं, कैंडल लगा सकते हैं, और यहाँ से जो भी इंडिकेटर लगाना है वो लगा सकते हैं। तो टाइम फ्रेम और कैंडल तो सही है, इंडिकेटर लगा लेते हैं। तो हमारा जो इंडिकेटर है दोस्तों वो है बोलिंजर बैंड का। तो देखिए सेकंड नंबर पर आ चुका है। इस पर जैसे क्लिक करेंगे अब ये लग चुका है। अब यहाँ से हम बढ़िया तरीके से टूल्स का उपयोग करेंगे। तो टूल्स में सबसे पहले हॉरिजॉन्टल लाइन, जो हमें यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट रिजेक्शन दिखा रही है, ठीक है, उसके साथ एक हॉरिजॉन्टल लाइन नीचे सपोर्ट के पास भी मैं लगाना चाहूंगा, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये जो लेवल था दोस्तों, यहाँ पर काफी बार ये स्टॉक फेल हुआ था, ये था 204 रुपए के आसपास का, लेकिन यहाँ पर अभी ब्रेकआउट मिला हुआ है, मतलब ये कंफर्ट जोन में आ चुका है। अगर इसके नीचे आया, ठीक है, तो 198 का जो लेवल रहेगा वो सपोर्ट का काम करेगा। अगर इसके नीचे निकला तो काफी ज्यादा प्रेशर में हमें ये स्टॉक देखने को मिल सकता है, ठीक है। और यहाँ अगर बीच में घूमेगा ना, तो यहाँ पर सस्टेन ज्यादा ही वो करेगा, लेकिन अभी काफी कंफर्ट जोन में ये स्टॉक हमें देखने को मिल रहा है, ठीक है। तो हमने ये स्टॉक को एनालिसिस कर लिया, और एनालिसिस दोस्तों खाली एजुकेशन के पर्पज से किया है। अब मान लीजिए हमें चार्ट पर ही स्टॉक को बाय या सेल करना है, तो आप देख सकते हैं बाय और सेल का ऑप्शन ऊपर ही दिया है। बाय करना है या सेल, तो हमें बाय, चलो बाय पे क्लिक करेंगे। तो हमें कितनी क्वांटिटी बाय करना है दोस्तों, तो मान लीजिए हमें 500 क्वांटिटी बाय करना है। तो आप देख सकते हैं ये जो 500 क्वांटिटी है इस प्राइस से कितने की आ रही है पता चल रहा है। साथ ही में प्लेस बार्डर पे क्लिक करेंगे, ऑर्डर हमारा सबमिट हो जाएगा, और हमारा जो प्रॉफिट और लॉस है यहाँ ऊपर हमें पोर्टफोलियो पे देखने को मिलेगा। बहुत ईजी है दोस्तों एंजल वन के वेब पेज को यूज करना, और एंजल वन के वेब पेज से किसी स्टॉक्स को, निफ्टी बैंक निफ्टी को एनालिसिस करना, ठीक है। और उसके साथ ही अगर आप एंजल वन का मोबाइल एप्लीकेशन यूज कर रहे हैं, तो वहां पर भी आप लोगों के लिए बहुत शानदार फीचर लेकर आया है एंजल वन ने। जैसे कि आप दोस्तों लेफ्ट हैंड साइड पे देखिएगा, आपको हमारा जो मोबाइल स्क्रीन है ना वो देखने को मिल जाएगा। यहाँ पर दोस्तों हमने हमारा एंजल वन का जो मोबाइल एप्लीकेशन है उसको ओपन किया है। उसको थोड़ा सा ऊपर करेंगे तो यहाँ पर हमें एक ऑप्शन देखने को मिल जाएगा जिसका नाम है दोस्तों इंस्टाटेड। इस पर हम दोस्तों जैसे क्लिक करेंगे तो एक पेज ओपन हुआ। इस पेज पर हमें सारी सुविधा देखने को मिलने वाली है, दूसरे किसी पेज पर जाने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। जैसे कि आप देख सकते हैं निफ्टी बैंक निफ्टी प्रॉफिट लॉस यहाँ देख लो, जो भी टाइम फ्रेम लगाना है यहाँ से लगा लो, चार्ट पर कैंडल यहाँ से लगा लो, चार्ट पर इंडिकेटर यहाँ से लगा लो, चार्ट को आप बढ़िया यहाँ से एनालिसिस कर लो, यहाँ से कॉल ले लो, यहाँ से पुट ले लो, जो भी ऑप्शन चेन यहाँ से देख लो, जो भी ऑर्डर है आप यहाँ से देख लो, सारी चीज़ें आपको यहाँ पर देखने को मिल रही है। उसके साथ ये ब्लू कलर का प्लस का आइकॉन देखने को मिल रहा है, इसके ऊपर हम दोस्तों जैसे क्लिक करेंगे तो सर्च बॉक्स आया। अब यहां से बढ़िया तरीके से वो स्टॉक को हम सर्च कर लेते हैं जो हमें वेब पेज पर दिख रहा है। तो यहां पर आप देख सकते हैं वो स्टॉक हमें फर्स्ट नंबर पर देखने को मिल रहा है। अब इस पर हम दोस्तों जैसे क्लिक करेंगे तो हमारे सामने चार्ट ओपन हो गया। चार्ट को हम बढ़िया तरीके से यहां से एनालिसिस कर लेंगे, ठीक है। उसके साथ ही आप यहां से दोस्तों जो भी इंडिकेटर लगाना चाहते लगा सकते हैं। उसके साथ ही बाय और सेल का ऑप्शन दिया, बाय करना या सेल, तो हमें बाय करना, चलो बाय पे क्लिक करेंगे। बाय पे हमने दोस्तों जैसे क्लिक किया तो अब यहाँ पर हमारे सामने क्वांटिटी डालने का आ गया, कितनी क्वांटिटी लेना है, तो मान लीजिए 500। तो आप देख सकते हैं ये जो 500 क्वांटिटी है इस प्राइस से कितने की आ रही है पता चल रहा है। साथ ही में दोस्तों बाय पे क्लिक करेंगे, उसके साथ ही आप देख सकते हैं कन्फर्म का आया। कन्फर्म पे हम दोस्तों जैसे क्लिक करेंगे हमारा जो ऑर्डर है वो यहाँ पर सबमिट हो जाएगा। ऑर्डर दोस्तों हमारा जैसे ही सबमिट होगा हमारा प्रॉफिट और लॉस दोस्तों हमें यहाँ पर देखने को मिलेगा। लिंक आप लोगों को नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से जाके एंजल वन का डीमैट अकाउंट ओपन करो, इंस्टाट्रेड को यूज़ करो, फटाफट से हमारे वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। तो थैंक यू दोस्तों।